वो होती है सेल मेम्ब्रेन और सेल बॉडी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल बॉडी इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म नाउ साइटोप्लाज्म कंटेन सर्टेन ऑर्गेनि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जिया एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक्रैटिक्यूलम राइबोजोम्स देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनियल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल So these two parts make up the cell body now this cell body is covered by a membrane this membrane is covering the cell which we are calling as the cell membrane now this membrane is not present only around the cell this membrane is also present around the organelles that are present within the cell जो हमारी सेल में डिफरेंट ऑर्गेनिल हैं गोल्जिया पैराटिस है लाइजोजोम है माइटोकॉन्ड्रिया है एंडोप्लाज्मिक माइटो रेटिकुलम है दे ऑल कंटेन अ मेम्ब्रेन अराउंड दैम सो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड ऑल द सेल्स ऑफ अर बॉडी चाहे वो सेल किसी ऑर्गेन का या टिश्यू का पार्ट हो या फिर वो सेल मूविंग सेल हो लाइक आर बी सी आर बी सी रेड ब्लड सेल के अराउंड भी मेम्ब्रेन होती है सो नाउ द सेल मेम्ब्रेन एनविलिप्स द सेल सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है एनवेलप करना सेल को सेल को कवर करना एंड इट इज थिन प्लाइबल इलास्टिक स्ट्रक्चर ये इलास्टिक क्यों होता है बिकॉज सेल मेम्ब्रेन एज आई मैंशन दैट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स दैट आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गन ये सिर्फ उन सेल्स का पार्ट नहीं है जो किसी ऑर्गन का हिस्सा हो बल्कि इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड रेड ब्लड सेल्स द फ्लोइंग सेल्स द सेल्स दैट आर मूविंग सो वी नो दैट आर बी सीज हैव टू इनकाउंटर द वेजल्स दैट आर इवन अ स्मॉलर दैन इट्स ओन डायमीटर आर बी सी रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारे वो उन वेजल्स से भी गुजरते हैं जिनका डायमीटर आर बी सी से खुद से भी छोटा होता है मतलब आर बी सी का अपना साइज उन वेजल से बड़ा है और उन वेजल्स का साइज़ आर बी सी से छोटा है किस तरह से आर बी सी ऐसी ब्लड वेजल्स से ट्रेवल करेगा जिसका अपना डाया मीटर छोटा है इट इज बिकॉज ऑफ द इलास्टिक स्ट्रक्चर Of its cell membrane, RBC can change its shape. Now it is only 7.5 to 10 nanometers thick, and it is very thin. It is also called plasma membrane or plasma lemma. Now this plasma membrane is selectively permeable. This cell membrane is basically separating the internal environment of the cell from the external environment. बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट में एक बैरियर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन और ये किस तरह का इसका नेचर होता है इट इज़ सेलेक्टिवली पॉमिएबल सेलेक्टिवली पॉमिएबल मीन्स इट अलाउ सम समटांसेज टू पास थ्रू वाइल इट वॉन्ट अलाउ अदर सब्सटांसेज टू पास सो इट इज़ सेलेक्टिवली पॉमिएबल नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से सब्सटांसेस से मिलकर बनती है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं इट इज कम्पोज ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन तकरीबन प्रोटीन्स और लिपिड से ही मिलकर बन रही होती है एंड इट इज नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक सेल किसी एक सेल के मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी की जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और लिपिड से ही मोस्टली बनती है सो नाउ द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज इट कंटेन फिफ्टी फाइव परसेंट प्रोटीन्स फोर्टी फाइव परसेंट लिपिड्स एंड जस्ट फाइव परसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वी नाउ नो दैट इट इज कम्पोज ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इट कंटेन्स सम कार्बोहाइड्रेट्स टू नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चरल मेकअप किस तरह का होता है ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो सेल मेम्रेन को बना रहे हैं इनकी बेसिकली अरेंजमेंट सेल मेम्रेन में किस तरह से होती है लिपिड्स बेसिकली फॉर्म द स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द प्लाज्मा मैमबरेन और द सेल मैम्बरेन नाउ द लिपिड कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल मैमबरेन इज प्रेजेंट एज लिपिड बाई लेयर लिपिड्स जो होते हैं सेल मैम्बरेन में वो एज बाई लेर प्रेजेंट होते हैं मतलब लिपिड फॉर्म टू लेयर्स बेसिकली नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मैमबरेन इज अ लिपिड बाई लेअर सेल मैमबरेन का जो हमें पूरा एक फ्रेम वर्क नज़र आ रहा होता है वो एक लिपिड बाई लेर होती है द बेसिक लिपिड बाई लेयर इज मेड अप ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स वो जो बाई लेयर होती है उसमें हमें दो तरह के लिपिड देखने में मिलते हैं सो वॉट आर बेसिकली लिपिड लिपिड्स का एक कॉमन फीचर क्या होता है दे आर फैट सोल्यूबल वो तमाम फैट सोल्यूबल होते हैं नाउ दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स जो हमें प्लाज्मा मेमब्रेन में मिलेंगे एंड वट आर दे फॉस्फोलिपड्स एंड कलेस्ट्रोल सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन अदर लिपिड्स टू कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में दूसरे भी लिपिड कॉम्पोनेट्स होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल कंटेन एस फिंगो लिपिड विच इज डिराइव फ्रॉम अमाइनो एल्कोहल इज थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है बट मोस्टली द लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल मैमब्रेन आर फोस्फोलिपिड्स एंड कलेस्ट्रोल और इन दोनों में से भी जो सबसे ज्यादा लिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में दैट इज द फॉस्फोलिपिड सो नाउ स्टार्टिंग विद द फॉस्फोलिपिड्स वी नो दैट अराउंड 45 फाइव टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स और कौन से लिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं दे आर बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लिपिड सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो हमें लिपिड मिलेगा वो कौन सा लिपिड होगा दैट इज़ फॉसफोलिपिड्स वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं तो ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है सो नाव वट आर फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड क्या होता है फॉस्फोलिपिड्स आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत मेजर कॉम्पोनेंट है मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जिसमें हमारे पास 50% लिपिड है इस लिपिड में भी हमारे पास फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा है तो इट मीन्स इट फॉर्म्स द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्या होता है विच मीन्स इट हैज़ अ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड अ हाइड्रोफिलिक कॉम्पोनेंट मतलब ये इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें आपको हाइड्रोफोबिक कॉम्पोनेंट भी मिलेगा हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फियरिंग वाटर रिपेलिंग ग्रुप भी होगा इसके पास और वाटर लविंग ग्रुप भी होगा हाइड्रोफिलिक कॉम्पोनेंट बेसिकली ऑल द लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर एम्फीपैथिक हमारी सेल मेम्ब्रेन में जितने भी लिपिड्स होंगे चाहे वो फॉस्फोलिपिड हो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो चाहे वो कोई दूसरा लिपिड हो दे ऑल विल बी एम्फीपैथिक वो सब एम्फीपैथिक होंगे उन सब में एक कॉम्पोनेंट हाइड्रोफोबिक होगा और एक कॉम्पोनेंट हाइड्रोफिलिक होगा हाइड्रोफोबिक कॉम्पोनेंट और हाइड्रोफिलिक कॉम्पोनेंट कौन से होते हैं हाइड्रोफोबिक कॉम्पोनेंट फोबिक एज द वर्ड इंडिकेट फोबिया इट्स फ़ियर, हाइड्रोफोबिक वो कॉम्पोनेंट होगा जो वाटर फियरिंग होगा जो वाटर को रिपेल करेगा वाइल हाइड्रोफिलिक इज द कॉम्पोनेंट दैट विल बी वाटर लविंग दैट विल अट्रैक्ट वाटर, नाउ A single phospholipid molecule has a phosphate group on one end called the head and two side by side chains of fatty acid make up the tails. This is the hydrophilic head which is made up of phosphate group. Phosphate group hydrophilic hai, it is water attracting, water loving and it is attached to the glycerol, jo glycerol se attached to hai and the hydrophobic tails are made up of fatty acids. सो दिस इज अ सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये एक सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसका एक हेड है और दो टेल्स हैं जो दो टेल्स हैं वो फैटी एसिड चेन्स बना रही हैं और जो इसका हैड है वो फॉस्फेट ग्रुप बना रहा है दिस फॉस्फेट ग्रुप इज वाटर अट्रैक्टिंग एंड दिज फैटी एसिड टेल्स आर वाटर रिपेलिंग नाउ दिज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल किस तरह का होता है ये इसका हेड है ये इसकी टेल है तो ये मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और दो लेयर्स बना रहे होते हैं लाइक दिस इज अनदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, एंड ऑल दीज आर मेकिंग अ सिंगल लेयर नाउ द सेकेंड लेयर इज़ मेड बाय अनदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. so these two layers are making up the phospholipid bilayer why are we calling it bilayer because two layers of phospholipid molecules are making up the entire lipid layer of the plasma membrane the phosphate and of the phospholipid is hydrophilic jo phosphate and here phospholipid molecule ka hydrophilic hai it means it is water loving so now if this is the phospholipid molecule

पोलर मीन्स चार्ज का होना नॉन पोलर चार्ज ना होना ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज बट अ पोलर मोलीक्यूल हैज़ चार्ज ओवर इट नाउ द फैटी एसिड एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफोबिक जो फैटी एसिड एंड है जहाँ पर हमें फैटी एसिड चेंज मिलती हैं वो एंड फॉस्फोलिपिड मॉलीक्यूल का हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है एंड दिस इज दिस रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलीक्यूल दिस एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज वाटर रिपेलिंग इट रिपेल्स वाटर हैंस एज इट इज़ रिपेलिंग वाटर क्योंकि ये वाटर को खुद से दूर करेगा रिपेल करेगा सो इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट इज़ सोल्यूबल इन फैट्स इट इज़ नॉन पोलर ये जो एंड होता है वो बिल्कुल अनचार्ज एंड है इस पर कोई चार्ज नहीं है ना इधर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव So both the surfaces of the plasma membrane are hydrophilic that is they are in contact with the intracellular water on the inside of the membrane and extracellular water on the outside of membrane. So now this is the phospholipid bilayer these are the phosphate ends of the phospholipid molecule which are hydrophilic they attract water while these are the fatty acid tails of these phospholipid molecules that are hydrophobic these hydrophilic surfaces of the cell membrane are in contact with water because the cell membrane is a barrier that is separating the outside of the cell from the inside of cell and we know that both the inside and outside of cell are aqueous Ye dono hi aqueous environment hoten

सो नाओ आई फैन्यूमन आस्क यू दैट वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपेड मोलिक्यूल सो बेसिकली इस अरेंजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है फॉर एक्जाम्पल ये ई सी एफ है और ये आई सी एफ है इंट्रा सेल्युलर फ्लूड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि बाहर का फ्लुइड अंदर के फ्लूड के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता मतलब बाहर जो भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इस बैरियर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि जो फॉस्फेट हैड है वो तो हाइड्रोफिलिक है लेकिन जो बीच का कोर है जो मिडल पोर्शन है वो वाटर इनसॉल्यूबल है वो वाटर रिपेलिंग पोर्शन है तो बाहर या जो अंदर के वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे कैन नॉट क्रॉस ईजीली दिस बैरियर वो इतना ईजिली इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते अगर ये बैरियर इस तरह का ना होता तो क्या होता वाटर या स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली इन एंड आउट मूव करते हैं और इससे क्या होता सेल का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर या जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर होते हैं और वही सेल की लाइफ के लिए सस्टेनेबल है अगर ये मेम्ब्रेन इस तरह की ना होती तो तो बहुत से वाटर सॉलिबल मॉलिक्यूल्स ईजिली इस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं सो so, इस अरेंजमेंट की सिग्निफिकेंस ये है कि इस अरेंजमेंट से एक ऐसा बैरियर बन रहा है जो किसी भी मटीरियल को बिल्कुल फ्री मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा कि वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सके द लिपिड लेयर इन द मिडल ऑफ द मैमब्रेन इज इम्पॉमिएबल टू द यूजल वाटर सॉल्यूबल सबस्टांसिस सच एज आइंस ग्लूकोज एंड यूरिया सो हेयर इज इन्सर जो मिडिल लेयर है वो बिल्कुल इम्पॉमीएबल है वाटर सोलूबल सब्सटांसिस के लिए जैसे कि आइंस ग्लूकोज या यूरिया जो वाटर में सोल्यूबल हैं कन्वर्सली फैट सॉल्यूबल सबस्टांसिस सच एज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैन पेनिट्रेट दिस पोर्शन ऑफ़ द मेम्ब्रेन विद एज जबकि जो फैट सॉल्यूबल सब्सटांसिस हैं जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दे आर फैट सोल्यूबल वो ईजिली इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं बाई सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से वो अंदर और बाहर हो सकते हैं बिकॉज द कोर ऑफ द लिपिड बाई लेर इज मेड अप ऑफ फैटी सो हेयर कम्स द एंड ऑफ द लिपिड कॉम्पोनेट ऑफ प्लाज्मान टिल नाउ वी नो द रोल ऑफ लिपिड इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मैंबरेन सो स्टे टोन टू नो मोर अबाउट अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लाज्मान टू शेयर विद योर फ्रेंस प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक द विडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे अपडेटेड थैंक यू